हाय फ्रेंड्स दिस एंड यू आर वाचिंग आजकल आप न्यूज में एक चीज बहुत ज्यादा देख रहे हो वो है सैमसंग का न्यू लॉन्च जो कि और फ्लिप थ्री. चलिए बात करते हैं फोर थ्री और फ्लिप थ्री के बारे में पहले तो आपने एक चीज नोटिस की ही होगी कि आप जहां देखोगे उनके एड्स दिखेंगे आपको आप बोलो फ्लिपकार्ट बोलो यूट्यूब बोलो इंस्टाग्राम बोलो फेसबुक बोलो हर जगह बोलो बहुत ज़्यादा हाइपिंग की जा रही है और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और प्रमोशंस किए जा रहे हैं ये है सैमसंग के फोल्डेबल्स पहले भी सैमसंग ने फोल्डेबल फ़ोन्स लॉन्च किए थे जो कि इतने हिट नहीं हुए थे अब फिर से उन्होंने वही वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इम्प्रूव करके फिर से ये मार्केट में लाए हैं तो सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड थ्री एंड फ्लिप थ्री दोनों यूएसए में लॉन्च हो चुके हैं अगले कुछ हफ्ते बाद इंडिया में भी लॉन्च हो जाएंगे तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्लिप थ्री के बारे में तो मुझे लगता है कि फ्लिप थ्री इंडिया में ज्यादा हिट होगा क्योंकि एक तो फ्लिप थ्री अफोर्डेबल थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में है फोर थ्री जो है उसका दाम के तो मैं चकरा गई थी क्योंकि फोर थ्री का दाम फोल थ्री एक लाख पचास हजार के अराउंड पे है तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा मतलब वर्ल्ड वाइड ही उसका प्राइस बहुत ज्यादा है बहुत हाई प्राइस रेंज पे है फ्लैगशिप फोन है ऑब्वियसली जो फ्लिप थ्री है 85,000 का है ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि अफोर्डेबल रेंज में है लेकिन क्योंकि ये फ्लैगशिप फ़ोन है तो इसका प्राइस तो ज़्यादा हो गई लेकिन दोनों फोन्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो मानना पड़ेगा कि दोनों फ्लोस में एक चीज़ कॉमन दो चीज़ कॉमन है एक चीज़ दोनों में स्नैपड्रैगन एट एटी एट यूज़ एट 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 किया गया है जो कि अच्छा प्रोसेसर है और दोनों में जो प्रोटेक्शन ग्लास यूज़ किया गया है वो है कॉर्निंग गोरेला ग्लास विक्टस तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप फोल्ड थ्री लीजिए और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा लेकिन कम है तो वह आप फ्लिप थ्री लीजिए तो चलिए अब प्री बुकिंग के बारे में बात हैं। फ्लिप थ्री फोर थ्री दोनों अगस्त 24 से शुरू होकर सितंबर 9 तक मार्केट में इनकी प्री बुकिंग चलेगी और आप सैमसंग डॉट कॉम में डायरेक्टली जाके इनको खरीद सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी ये बाद में आ जाएंगे और सितंबर 10 तक इंडिया में फुल्ली अवेलेबल हो जाएंगे देखिए प्री बुकिंग क्यों करने को मैं आपको बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि प्री बुकिंग करने से आपको ऑफर्स भी ज्यादा मिलता है आपको कैशबैक मिलता है और कौन से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आपको कैशबैक मिलेगा उसका भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगी तो चलिए फ्लिप थ्री के बारे में इन डिटेल जानते हैं तो ये है गैलेक्सी सेट फ्लिप थ्री फोर थ्री का छोटा भाई तो देखते हैं बॉक्स में क्या है बॉक्स खोलने पर आपको एक USB चार्जिंग केबल मिलता है और कोई चार्जर इसके साथ नहीं मिलता है जब फोन को ओपन करते हैं तो ये एक नॉर्मल फोन जैसे ही लगता है पर बैक से इसका जो हिंज दिखता है वो मतलब बहुत इनोवेटिव है फोन बहुत कॉम्पैक्ट है और वेट 183 एटी ग्राम्स का ही है एक 6.7 इंच का डिस्प्ले है और देखा जाए तो जो उसका वेट है 183 जो कि काफी अमेजिंग है यही रीजन है कि आप मान सकते हो कि इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है काफी अच्छे क्वालिटी का यूज किया गया है मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि इसके फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गोरेला ग्लास यूज किया गया है और सुनने में आया है कि इसका जो फोल्डिंग हिंच है ये बहुत ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है फोन काफी स्मूथ लग रहा है इसका रिफ्रेश रेट भी काफी अच्छा है और फोन इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 888 जो कि मतलब काफी अच्छा प्रोसेसर है पावर बटन साइड में दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो सिम ट्रे भी साइड में दिया गया है एंटीनास भी है और जो फोल्डिंग हिन्च है ये तो इसका मेन मेन चीज है फोन काफी कॉम्पैक्ट एंड स्टर्डी है एक्चुअली बंद करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें IPX8 वाला वाटर रेजिस्टेंस है एक फोल्डिंग फोन में आई रेट वाला वाटर रेजिस्टेंस अपने में अमेजिंग बात है तो आप मान सकते हो कि परफॉर्मेंस के मामले में ये काफ़ी मतलब काफ़ी आगे रहेगा जो उसका रियर कैमरा है ट्वेल्व एम पी का है विद एफ वन और ट्वेल्व एम पी का अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है पर मैं आपको बता देती हूँ इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है और उसका जो सामने का जो कैमरा है ना वो बहुत मीडिया लगा मुझे टेन एम का कैमरा दिया गया है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मीडियाकर है और इसमें जो सेटअप है ये नॉर्मल एंड्रॉइड फोन जैसा ही सेटअप होता है इसमें और इसका जो फिंगर प्रिंट स्कैनर है वो एक साइड में है राइट right साइड में है तो आप बहुत आसानी से मतलब टच करके अपने फोन को खोल सकते हो फिंगर प्रिंट स्कैनर अच्छा दिया है इन लोगों ने सेटअप नॉर्मल एंड्रॉइड फोन जैसा ही है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है पर हाँ क्योंकि ये थोड़े से मतलब ये थोड़ा सा हटके फोन है ये One UI दिया गया है इसमें बेस्ड ऑन एंड्रॉइड इलेवन तो फोन काफी फास्ट भी होगा जैसा कि आप देख सकते हो बाकी सेटअप जैसा सैमसंग के फोन में होता है वैसा ही है आप चाहो तो मोड चेंज कर सकते हो डार्क मोड लाइट मोड कस्टमाइजेशन भी इसमें थोड़ा सा हटके है फोन बहुत कॉम्पैक्ट है छोटा सा है और जो कवर डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा है सुपर एमोलेट है 1.9 इंचेस है इसमें और सामने आप देख सकते हो कि आपको क्लॉक दिख जाएगा कुछ कुछ फंक्शन सामने हैं इसके तो जो इसका कवर डिस्प्ले है ना इसमें काफी सारे फंक्शन है आप टाइम देख सकते हो आप चाहे उसको अगर आप उसको स्वैप अगर आप करते हो तो आप नोटिफिकेशन टाइमर लगा सकते हो चाहो तो और मतलब उसमें ना बहुत सारी चीजें आप अगर कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो उसका ट्रैक जो है जो उसका इन्फॉर्मेशन है वो भी दिया जाएगा आपको एड्स जो आते हैं हमारे फोन में वो भी आप देख सकते हो उसी में तो अच्छा आपको फोन बार ओपन करने की नीड नहीं रहेगी इसमें स्नैप ड्रैगन एट एटी एट यूज किया गया है पर भगवान जाने जब इंडिया में आएगा तो कौन सा प्रोसेसर इन देंगे हमको आप इसका ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो सामने से आपको फोन को ओपन करने की नीड नहीं है और आप इसमें स्पेशल एक स्पेशल फीचर ये है कि आप इस फोन में सैमसंग पे से पेमेंट भी कर सकते हो ये मतलब ये सैमसंग के हर फोन में नहीं है फोन का डिस्प्ले काफी इम्प्रेसिव है फोन फास्ट है एक्चुअली फोन काफी फास्ट भी है अगर आप इसका से, से, सेटिंग देखोगे और इसमें काफी मतलब क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो कस्टमाइजेशन के मामले में मुझे लगा कि काफी काफी इम्प्रूव किया गया है लॉक स्क्रीन के लिए काफी काफी सारे मतलब जो भी चेंजेस आप देखना चाहोगे उसमें बहुत बहुत सारा फीचर्स दिया गया है तो इसका जो बैटरी है थ्री हंड्रेड थर्टी एम एच का बैटरी दिया गया है विथ फिफ्टीन वॉट्स फास्ट चार्जिंग बैटरी काफी छोटा है आपको मानना पड़ेगा बैटरी काफी छोटा दिया गया है इसलिए वेट भी कम है देखिए फोल्ड करोगे तो फोन स्क्रीन हाफ हो जाता है एक्चुअली हाफ में बटन आ जाते हैं और एक मेन कैमरा है जिसमें ओआईएस भी यूज किया गया है तो मुझे ओवरऑल ये लगता है कि इस फोन में ना काफी ज्यादा फीचर्स दिया गया है कैमरा जब आप देखते हो तो एक्चुअली इसका जो मेन कैमरा है 12 एम पी का इसमें ओ प्लस दिया गया है एंड 12 एम पी का अल्ट्रा वाइट दिया गया है देखिए फोल्ड इतने अच्छे से होता है यही तो इसकी मतलब खास बात है कि फोन आधे स्क्रीन में आपको इमेज दिखेगा और आधे स्क्रीन में आपको बटन दिखने लग जाएंगे तो ये काफी अच्छा फीचर है और इसका कैमरा फीचर वैसा ही है जैसे बाकी हमारे सैमसंग के एंड्रॉइड फोन में लेकिन जो पीछे इसका सेल्फी कैमरा है काफी ज्यादा अच्छा इसके बैक में एक इसके बैक कैमरा से आप सेल्फी भी ले सकते हैं लाइक M11 अल्ट्रा पर एक चीज मानने वाली बात है कि ना स्क्रीन थोड़ा छोटा है अब हम कंपेयर करते हैं फोल थ्री एंड फ्लिप थ्री को एक बार कंपेयर कर लेते हैं देखिए फोल्ड थ्री जो है मेरे ख्याल से फ्लिप थ्री ज्यादा हिट होगा इंडिया में क्योंकि फ्लिप थ्री में फीचर्स ज्यादा है और दाम कम है जबकि फोल्ड थ्री काफी महंगा है काफी ज्यादा ही महंगा है सेप्टेम्बर टेंथ तक आते आते दोनों अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया में प्राइस रेट के हिसाब से मेरे ख्याल से फ्लिप इंडिया में काफी ज्यादा हिट हो सकता है तो वीडियो आप पूरा देख चुके होंगे और फ्लिप थ्री के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में अच्छे से दे दी है अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इंडिया में ये एट्टी फाइव थाउजेंड में आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता पर मे, मेरे मेरे हिसाब से एट्टी फाइव uh, के अराउंड ही होगा प्राइस रेट तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा जो लास्ट वीडियो था आईफोन ट्वेल्व का वो भी मैं उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा आगे भी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में